एक एक्साइटिंग नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी अभी एक स्मैशिंग साल खत्म हुआ है। इस साल की क्या सेंसेशंस रही, क्या खबरें रही, क्या उतार चढ़ाव आए, लेट्स टेक अ लुक एट 2015's मोस्ट सेंसेशनल न्यूज मेकर्स। तो देर किस बात की, लेट्स हैव अ लुक एट देम राइट हियर राइट नाउ। हाय, मैं हूं नयन एंड यू आर वॉचिंग इंस्टा ब्लिट्स। साल 2015 हर साल की तरह माइंड ब्लोइंग रहा और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साल 2015 के टॉप 10 एक्साइटिंग न्यूज मेकर्स। वेल, लेट्स स्टार्ट विद द सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम्स, सलमान खान, जो इस साल भी सबसे बड़े न्यूज मेकर रहे। बॉलीवुड के टॉप न्यूज मेकर की बात हो और हमारे सलमान भाई का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी सलमान रहे सबसे बड़े न्यूज मेकर विथ 2 ब्लॉकबस्टर हिट्स। जुलाई में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान से सलमान ने अपनी फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद आई प्रेम रतन धन पायो से भी सलमान ने बजाया अपने नाम का डंका। बजरंगी भाईजान में बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सन 2015 फिल्म इंडस्ट्री के तीनों खान्स के लिए रहा वेरी वेरी स्पेशल। इस साल आमिर, शाहरुख और सलमान तीनों ने अपनी जिंदगी की हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। यह 2015 एक डिफरेंट रीजन के लिए भी रहा इंडस्ट्री के तीनों खान्स के लिए वेरी स्पेशल, बिकॉज इन 2015 सलमान, शाहरुख और आमिर हो गए 50 साल के। 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने की रेस में आमिर रहे सबसे आगे, एज ही टर्न 50 ऑन मार्च 2015। उनके बाद बारी आई इंडस्ट्री के बादशाह यानी शाहरुख की, जिन्होंने 2 नवंबर को अपने फैंस के साथ कुछ इस अंदाज में मनाया अपना 50th जन्मदिन। On my birthday, if I don't meet you all, it's kind of wrong, and I've known all of you for now. The youngest of the three superstars, सलमान खान ने 27th दिसंबर को पूरी कर ली अपनी लाइफ की हाफ सेंचुरी। ये तीनों खान्स ऑलमोस्ट लास्ट 25 इयर्स से कर रहे हैं इंडस्ट्री को रूल, एंड अनडाउटेडली ये आज भी हैं बॉक्स ऑफिस के रूलर्स। सलमान खान और शाहरुख खान का रिश्ता ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रहा है। कभी एक दूसरे के दोस्त होते हैं तो कभी कभी राइवलरी होती है, लेकिन जब भी ये एक साथ एक स्क्रीन पर आते हैं तो धमाका होता है। बी टाउन के दो सुपरस्टार सलमान और शाहरुख मोस्टली अपनी राइवलरी के लिए न्यूज में रहे हैं, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के ऐसे रंग दिखाए कि हर कोई रह गया दंग। इस साल कई पिक्चर्स में ब्रोमांस करते दिखे। इतना ही नहीं, दोनों ने इस साल एक दूसरे की फिल्मों को भी इनडायरेक्टली प्रमोट किया। फैंस को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब किंग खान पहली बार पहुंचे सलमान के शो बिग बॉस में टू प्रमोट हिज फिल्म दिलवाले। नो डाउट यहां इन दोनों की एंट्री करण अर्जुन से कम नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री के करण अर्जुन फिर से वापस आ गए हैं। इन 2015 एक शादी से हजारों लड़कियों के दिल टूट गए। वेल, इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर शाहिद कपूर ने अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मीरा राजपूत से शादी कर ली। हाय, शाहिद कपूर ने कर ली इस साल शादी, बट नॉट विथ एनी फिल्म एक्ट्रेस, बट हिज लेडी लव मीरा राजपूत। शाहिद और मीरा शादी से पहले फैमिली फ्रेंड्स थे, बट लेटर ऑन शाहिद रियलाइज कि दिल्ली वाली मीरा से अच्छी वाइफ उन्हें नहीं मिलेगी बी टाउन में। वेल, करीना से पहले सीरियस प्यार, फिर सीरियस ब्रेकअप के बाद शाहिद का नाम कभी विद्या बालन से जुड़ा तो कभी प्रियंका चोपड़ा से, लेकिन मीरा से शादी करके शाहिद ने लगा दिया इन सारी रूमर्स पर फुल स्टॉप। इस साल 9 दिसंबर को आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी के घर आए एक नन्ही परी। आदित्य चोपड़ा एंड रानी मुखर्जी के घर एक नन्ही सी प्यारी सी परी ने जन्म लिया। यस, दे बिकेम प्राउड पेरेंट्स ऑफ अ बेबी गर्ल। आदित्य एंड रानी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर न्यू बंडल ऑफ जॉय। आदित्य और रानी ने एक लंबे अफेयर के बाद इटली में चुपचाप शादी कर ली थी। उसके बाद रानी बन गई थी चोपड़ा फैमिली की बहू रानी। वेल, आदित्य और रानी ने अपनी डॉटर का नाम रखा है आदिरा, जो आदित्य और रानी से मिलकर बना है। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम।
दीपिका पादुकोण इस साल फिल्म इंडस्ट्री पर छाई रही विथ 3 हिट फिल्म्स पीकू तमाशा एंड बाजीराव मस्तानी शी वॉज दी अनपैरेलल्ड क्वीन ऑफ द बॉक्स ऑफिस Deepika was also among 2015's most prolific actors by giving 3 big hits back-to-back. Piku mein unki performance thi outstanding. Film bhi hit rahi aur uske baad aayi unke ex-boyfriend Ranbir Kapoor ke saath film Tamasha. Is film ko bhi viewers ne liya haathon haath. Well, Deepika yahi nahi ruki. Year end hote hote release hui Sanjay Leela Bhansali ki epic film Bajirao Mastani, jisme Mastani ka kirdaar nibhakar डिप्स ने दी अपनी थर्ड हिट मूवी। जब हम न्यूज मेकर्स की बात करते हैं तो प्रियंका चोपड़ा को कौन भूल सकता है? She won the hearts of millions with her superlative performances in दिल धड़कने दो and बाजीराव मस्तानी। और उन्होंने इंटरनेशनल अरीना में भी अपना कदम रखा विद अ टीवी शो। Priyanka is the first Indian actor to do an American series. She plays the lead character of a trainee FBI agent, Alex Parrish. On the other hand, Bollywood mein bhi PC nahi rahi peeche. Saal 2015 mein Dil Dhadakne Do aur Bajirao Mastani mein Kashibai bankar wo rahi is saal kaafi limelight mein. अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री के लिए फेमस शाहरुख खान और काजोल ने 5 साल के बाद किया कमबैक। सिर्फ इनके नाम पर ही दिलवाले को मिली बॉक्स ऑफिस पर एक बम्पर ओपनिंग। बाजीगर DDLJ कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी हिट फिल्मों की ये जोड़ी 2015 में उस वक्त सुर्खियों में आई जब दोनों को एक साथ साइन किया गया रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले के लिए। शाहरुख खान का जोल वर लास्ट सीन टुगेदर इन 2010 फॉर माय नेम इज खान और ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने सालों बाद भी इस जोड़ी का मैजिक नहीं हुआ है कम। दिलवाले बॉक्स ऑफिस पर रही कामयाब और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट शाहरुख और काजोल की जोड़ी को जाता है। साल 2015 के खत्म होते होते एक जबरदस्त फिल्म रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी। फिल्म के सेट परफॉर्मेंसेस लुक सिनेमेटोग्राफी ने लाखों लोगों का दिल जीता। दिसंबर 2015 में आई संजय लीला भंसाली की पीरियड फिल्म बाजीराव मस्तानी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया जोरदार धमाका। बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई बड़े स्टार्स आए सिल्वर स्क्रीन पर नजर। फिल्म में रणवीर दीपिका की केमिस्ट्री प्रियंका की एक्टिंग और संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन सेट डिजाइन सिनेमाटोग्राफी कॉस्ट्यूम्स और म्यूजिक मूवी लवर्स को खूब पसंद आए। रिलीज के बाद बाजीराव मस्तानी को दिलवाले के कंपैरिजन में मिली स्लो ओपनिंग लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के चलते फिल्म ने बाद में पकड़ी स्पीड। साल की तरह 2015 में भी कई उतार चढ़ाव आए। While there were some unexpected hits, there were also some unexpected flops. Let's take a quick look. Year 2015 रहा बॉलीवुड के लिए very special, जहां एक तरफ बजरंगी भाईजान, बाजीराव मस्तानी, दिलवाले, दिल धड़कने दो, ABCD 2, तनु वेड्स मनु 2, प्यार का पंचनामा 2, प्रेम रतन धन पायो, वेलकम बैक और हेट स्टोरी 3 जैसी फिल्मों को मिली जबरदस्त कामयाबी, वहीं दूसरी तरफ बड़ी हिट्स होने की उम्मीद लिए बॉम्बे वेलवेट, रॉय, ब्योमकेश बख्शी, फैंटम, ऑल इज वेल, शानदार, हवाई ज़्यादा और शमिताभ जैसी फिल्में हुई बॉक्स ऑफिस पे ढेर। इस साल कुछ सेंसेशनल कमबैक्स भी हुए, जैसे लारा दत्ता सिंह इस ब्लिंग में एक लंबे अरसे के बाद नजर आईं। रवीना टंडन ने बॉम्बे वेलवेट में अपना जादू जगाने की कोशिश की और ऐश्वर्या राय बच्चन लौटी फिल्म जज्बा से। मगर अफसोस तीनों कमबैक्स ने दर्शकों को बहुत मायूस किया। इस साल कुछ हटकर फिल्में भी कामयाब हुई जैसे पीकू, मसान, तलवार, दम लगा के हईशा, दृश्यम और बदलापुर। Well friends, ये थे साल 2015 के टॉप 10 मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज मेकर्स। नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में नई फिल्में रिलीज होंगी, नए डेब्यूज होंगे, नए रिकॉर्ड्स बनेंगे एंड नई चीजों का सिलसिला चलता रहेगा। दिस इज नयन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फील द म्यूजिक एंड कीप वॉचिंग MTunes HD।